हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट्स एवरी बॉन्सा हियर। आज मैं आपके सामने फिर अपने कुछ बहुत ही फेवरेट बॉन्साई आपको दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहां पे कुछ लाइन से रखे हुए हैं, तो इन चारों के बारे में आपको बता देता हूं। ये कैमेशाइल के बॉन्साई हैं जिसको हम जंगल जलेबी भी कहते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर थोड़े बहुत बॉन्साई जैसे बनना स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हो कि मैंने इन चारों को लाइन से रखा हुआ है। कुछ सिंगल है, ये दो बॉन्साई फ्यूजन है, ये भी सिंगल है और ये भी फ्यूजन है। तो मैं आपको इनको थोड़ा क्लोजअप दिखा देता हूँ गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हमारे यहाँ पे है ये कैमेशाइल का जो एक सिंगल बॉन्साई है, मतलब इसके साथ मैंने किसी को फ्यूज़ नहीं किया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है बनना, इसको आज हम प्रून करेंगे। इसके सबके जितने भी स्टेम हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो हम इनको थोड़ा प्रून करेंगे और शेप पे लाने की कोशिश करेंगे। और ये कम से कम साल दो साल से इस प्लास्टिक कंटेनर के अंदर है, तो इनके रूट्स भी अंदर काफ़ी ज़्यादा घने हो गए होंगे, तो उनको निकाल के हम इनको एक अच्छे पॉट में इनको शिफ्ट करेंगे। तो गाइज़, ये देखिए इनका रूट बेस, ये इनका ट्रंक, ये इनका स्ट्रक्चर, ये हमारा कटर जिससे हम इनको प्रून करेंगे। तो आइए दूसरे की तरफ चलते हैं गाइज। इसको मैंने आज तक नहीं दिखाया कभी भी चैनल पे अपने। ये है एक फ्यूजन, तो ये हमारा मेन बॉन्साई है और इसके ऊपर पूरा ये फ्यूज किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्यूजन में भी काफ़ी अच्छा होता है जंगल जलेबी का। आप यहाँ पे इसके कांटे देख सकते हो। सो गाइज, आप इसके कांटे देख सकते हो, कितने ज़्यादा कांटे हैं इसके ऊपर। मेरे को कई बार हाथों में चोट लग जाती है, बट फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आदत हो गई अब तो। तो ये हमारा फ्यूजन है, इसका भी ब्रांचेस काफ़ी लंबे हो गए हैं। मैं इसको पहले मामे बनाना चाहता था, बट मामे तो नहीं बनेगा, अभी शोहिन बन जाएगा। हम इसको यहाँ से कट कर देंगे ताकि इसका एक अच्छा सा शेप आ सके। चलिए हम दूसरे की तरफ चलते हैं, सॉरी तीसरे की तरफ गाइज। ये एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई का शेप बना है, यहाँ पर जिगजैग हुआ पड़ा है और ऊपर से अच्छा सा ब्रूम स्टाइल आया हुआ है इसका। गाइज, मैं इसको सोच रहा था कि मैं इसको एक हाफ मून बॉन्साई पॉट में शिफ्ट करूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा हाफ मून बॉन्साई पॉट में। देखिए, तो अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है, शायद मैं इसको नॉर्मल पॉट में भी शिफ्ट कर दूँ और फ्यूचर में हाफ मून में शिफ्ट करूँ। तो इसके भी ब्रांचेस काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो इसके भी ब्रांचेस को हम काट देंगे। तो आइए हम चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा भी मैं यही सोच रहा हूँ कि इसका जो रूट है, रूट बेस है, इसका बहुत ही तगड़ा रूट बेस बना हुआ है। आप देख सकते हो ये भी फ्यूजन है, इन दोनों के साथ अभी इतना प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ नहीं कर पाया है, बट फिर भी दोनों साथ में चिपक के रहता है। आप इसका रूट बेस देख सकते हो, कितना इसका रूट एक्सपोज हो गया है बाहर की तरफ। तो गाइस, इसका भी ब्रांच बहुत लंबा हो गया है, तो हम इसको भी कट करेंगे आज। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं।